सामने आ रही हैं, ये ईवीएम का घोटाला आखिर हो कैसे रहा है, इसके पीछे का सच क्या है, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं और ये बड़ा खेल क्या है, जो अभी जनता का रिपोर्टर नाम की एक न्यूज़ वेबसाइट ने खुलासा किया है, वो बहुत चौंकाने वाला है, वो बहुत आपको परेशान करने वाला है कि क्या अगर इस देश के अंदर ईवीएम के घोटाले के जरिए चुनाव होता रहा तो प्रचार का क्या मतलब होगा, चुनाव का क्या मतलब होगा, कैसे पार्टियां चुनाव में जाएंगी या फिर कैसे हम कोई चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, क्योंकि अगर ईवीएम ही सेट है फिर तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं, अगर ईवीएम के साथ ही छेड़छाड़ हो रही है फिर तो लोकतंत्र एक दिखावा मात्र है, उसका गला घोटा जा रहा है ईवीएम में घोटाला करके। अब जो बात जनता के रिपोर्टर ने खुलासा किया है वो आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा, जरा ध्यान से एक एक करके बातों को सुनिएगा। गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो गुजरात सरकार की संस्था है, वो गुजरात सरकार की संस्था गैस का ठेका देती है एक कंपनी है जिसका नाम है जियो ग्लोबल रिसोर्सेज। जियो ग्लोबल रिसोर्सेज नाम की कंपनी को गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने गैस का ठेका दिया। ये मैं चाहूँगा कि दिखाएं गौरव जी, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन इंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विथ इनएक्सपीरियंस जियो ग्लोबल रिसोर्सेस। ए तो जिस कंपनी को इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है उस कंपनी को गैस का ठेका दिया गया जिसका नाम है जियो ग्लोबल रिसोर्सेस। जियो ग्लोबल रिसोर्सेस जिस कंपनी को ठेका दिया गया उसके बारे में 2016 में सीएजी की रिपोर्ट आई है। सीएजी डिस्कवर्ड दैट डिस्पाइट यूजिंग टैक्स पेयर्स रुपीज 20,000 crore टू नो गैस वाज एवर एक्सट्रैक्टेड। 20,000 crore रुपए का ये पूरा खेल हुआ इस गैस के घोटाले के अंदर। अब आप जानिए कि जियो ग्लोबल रिसोर्सेज कंपनी जो है ये किसकी सब्सिडियरी कंपनी है। जियो ग्लोबल रिसोर्सेज का मालिक की क्रॉप नाम की एक संस्था है, एक कंपनी है की क्रॉप, की कॉर्प नाम की एक कंपनी है। की कॉर्प नाम की कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है जियो ग्लोबल। अब की कॉर्प नाम की कंपनी ही मालिक है माइक्रोचिप की जो यूएसए की कंपनी है। ये माइक्रोचिप कौन सी कंपनी है, ये माइक्रोचिप वो कंपनी है जो चिप बनाती है ईवीएम के अंदर, जो ईवीएम में चिप इस्तेमाल होती है वो चिप बनाती है माइक्रोचिप नाम की कंपनी यूएसए की, जिसका संबंध की कॉर्प नाम की कंपनी से है, जिसके मालिक की कॉर्प कंपनी के मालिक हैं। तो जिस कंपनी के मालिक माइक्रोचिप के मालिक हैं, जिस कंपनी के मालिक जियो ग्लोबल रिसोर्सेज के मालिक हैं, यानी की कॉर्प ये कंपनी जो दोनों कंपनियों की मालिक है, जियो ग्लोबल रिसोर्सेज जो गैस का ठेका लेती है गुजरात में, माइक्रोचिप कंपनी जो ईवीएम में चिप बनाती है यूएसए के अंदर, दोनों का मालिक कौन है, की कॉर्प। और ये जो जियो ग्लोबल है गुजरात में जो गैस का ठेका लेती है, ये क्या करती है, 20,000 crore रुपए का घोटाला करती है। तो ईवीएम का घोटाला गैस के घोटाले के जरिए है, ईवीएम का जो खेल चल रहा है, जो कंपनी चिप बनाती है इंडिया के अंदर, ईवीएम में जो चिप इस्तेमाल होती है माइक्रोचिप कंपनी, उस माइक्रोचिप कंपनी का मालिक और जियो ग्लोबल रिसोर्सेज जिसने 20,000 crore का घोटाला किया है उसका मालिक की कॉर्प, ये दोनों एक ही कंपनी के अंदर आते हैं, इन दोनों का मालिक एक ही है। इसका मतलब मोदी जी के राज में जो गैस का घोटाला होता है जिसका मुनाफा वो कंपनी कमाती है जो कंपनी इंडिया में ईवीएम का चिप भिजवाती है, चिप बनाती है, चिप ईवीएम में इस्तेमाल होता है। अब ईवीएम के चिप के जरिए तो कोई भी खेल हो सकता है। आप चुनाव लड़ते रहिए, प्रचार करते रहिए। गुजरात के अंदर आप लोगों ने देखा कितनी सभाओं में भीड़ आ रही थी, हार्दिक पटेल की सभाओं में भीड़ आ रही थी, वहां पर जो विपक्षी पार्टियां थी उनके कार्यक्रमों में आप देखिए जबरदस्त भीड़ आ रही थी। लोगों में इतना गुस्सा था कि मंत्रियों को प्रचार करने नहीं दिया। वहां पर एक रूपाला नाम के कोई मंत्री थे, उनको तो महिलाओं ने बेलन लेके दौड़ा लिया।
वहां भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रचार नहीं करने दे रहे थे गुजरात के अंदर। और अब आप देखिए कल एग्जिट पोल आ गया, कोई 115 सीट दे रहा है, कोई 135 सीट दे रहा है। लोग आश्चर्यचकित हैं कि उनका वोट जा कहां रहा है, जब वो किसी पार्टी को ऐसे ही पंजाब में हुआ, लोगों ने वोट दिया आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए, वोट में चुनाव में ईवीएम में वोट ही नहीं निकल रहा है। इसी तरीके से गुजरात की जनता हैरान है कि जब उन्होंने वोट दिया तो एग्जिट पोल, सारे के सारे एग्जिट पोल क्यों सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं, क्यों सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 115, 125, 135 सीटें दिखा रहे हैं। इसका मतलब कि सब कुछ सेटिंग के जरिए तय हो चुका है, इसका मतलब सब कुछ पहले से तय हो चुका है, और जब रिजल्ट आएगा तो यही सारी चर्चा चलाई जाएगी कि भाई हम तो पहले से ही कह रहे थे कि जीत रहे हैं। तो इसलिए आपको ये समझना जरूरी है, आपको ये जानना जरूरी है कि आज जो ये ईवीएम का घोटाला हो रहा है, दरअसल इसका रिश्ता गैस के घोटाले से है। दरअसल उस गैस घोटाले के जरिए जो कुछ खेल किया गया है वो इस देश के सामने अब आ चुका है। जनता के रिपोर्टर न्यूज वेबसाइट ने इसको सामने किया है। और एक बड़ी मजेदार बात आपको बता दूं कि जो AK ज्योति साहब देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, यही महोदय AK ज्योति जी किसके चेयरमैन थे, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के, जिसके साथ मिलकर जियो ग्लोबल काम करती है, 20,000 करोड़ का घोटाला करती है, उस कंपनी के चेयरमैन कौन थे, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो मुख्य सचिव रह चुके हैं किसके, गुजरात सरकार के, जो चेयरमैन रह चुके हैं किसके, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के, जो कंपनी के साथ मिलकर जियो ग्लोबल ने 20,000 करोड़ का घोटाला किया। अब आप रिश्ते बहुत साफ समझ सकते हैं, मोदी का मुख्य सचिव AK ज्योति, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का चेयरमैन AK ज्योति, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त AK ज्योति, माइक्रोचिप कंपनी जिस जो ईवीएम में चिप भेजती है वो कंपनी का मालिक की कॉर्प, और जो जियो ग्लोबल रिसोर्सेज है उसका मालिक की कॉर्प, 20,000 करोड़ का घोटाला, ईवीएम का घोटाला, गैस का घोटाला, लोकतंत्र का घोटाला, और ये लोकतंत्र की हत्या करने की एक सोची समझी साजिश इस देश के अंदर चल रही है। जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, इस बात को फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, मैसेज के जरिए, ट्विटर के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए हर एक व्यक्ति तक पहुंचाइए, पूरे देश को जागरूक कीजिए कि ये ईवीएम घोटाला जब तक होता रहा लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है, लोकतंत्र एक मजाक बन के रह जाएगा।